ओ गाइस जरा क्यों खेत बार आई हूं मैं अभी बोल बाहर में ना आप हां जो ओ ले जेवा खेत में बच्चा ना वो तो बाहर छोड़ दूं जिसो ओ नहीं हम्म जिसो खेत में धान होगी हां जाते को ध्यान रखनो पड़े पुरो पानी गल का अगर हाँ। राम राम जी सभी को तो आज सुबह सुबह जा रहे हैं खेत खेत के अंदर कोई एक पेड़ है जो तो कि सूख गया था तो उसे काट कर घर पे लेके आ जाएंगे ताकि जलाने के लिए लकड़ियाँ काम में आ जाएगी उसके हाँ सबसे टफेस्ट ये लगता है ये जो दोहरे टाइप की जो मिट्टी आती है हमारे खेत जाने वाले रास्तों पे काफ़ी दूर तक लाइट आ गई और सोलर प्लेटें भी लग गई है तो उनकी वजह से आजकल यहाँ पर भी बुआई होने लग गई है उसे बरसात के साथ ज़्यादा उम्मीदें होती नहीं है चूरों के अंदर बरसात बहुत कम होती है या फिर अनिकल होती है इससे फसलें बहुत ख़राब होती है शुरू की यहाँ पे सिर्फ बाजरी और मूंग मोठ बस यही फसलें हैं जो देखो तीन किलो वाट का सोलर पैनल लगे हुए हैं एक दो और तीन और इस वजह से यहाँ पे देखो गेहूँ की फसल वगैरह की हुई यहाँ पे देखो पूरा वायर लगा हुआ है जितनी दूर का खेत की बोई की हुई है उसके आसपास झटका मशीन का इसके अंदर नॉर्मल करंट होता है बाकी अगर कोई दूसरा जानवर वगैरह आता है तो उसे पैरों के ऊपर ये टच होता है और फिर झटका लगता है तो वो डर के भाग जाते हैं जानवर तो इससे फसल बची हुई रहती है अब अर्थ बंद होगा साइड तक हो का राज्य फूल इसीलिए कहा जाता है रोईडे के फूल को क्योंकि अभी के टाइम के अंदर और सारे पौधों के फूल जड़े हुए मिलेंगे आपको लेकिन एक रोईडे का फूल ही मतलब एक अलग ही कलर का पूरे खेत के अंदर दिखाई देता है जहाँ पे पूरा खेत एकदम सूखा बुखा बंजर लग रहा है निकर देखो सुबह सुबह परेशान करे हुए मन हाँ, ओ

मतलब वो सुीड़े कई सालों अटकेड़ो पेड़ के ऊपर दिमाग खा रही है हैलो अति दूर तो इम हथियार है कुड़ो तीर कसीर ओ सागे महल है जिकम कैलेंडर 2022 को लगेडो है 2022 को आयो हां ओ हवा महल है हवा महल है खेत को आए राजस्थानी झोपड़ी बरसात में तावड़ा में हर मौसम में काम आवा ऊपर पन्नी के जरूर पड़ी है लेकिन बरसात में बिल्कुल ही कौन जा बरसात बन जाए में खेत को हवा महल है और आ साइड में छोटी सी छान है यहाँ तो महान मा, खाती कानून डंडो दे रहे हो क्या पूरी तकलीफ तो होगी बहुत बड़ी दिक्कत तो काटो देखो कैसे इस पेड़ का सत्यानाश कर रखा है इन्होंने इस साइड में काली चींटियां है नॉर्मल वाली इस साइड के अंदर लाल चींटियों ने अपना बिल बना रखा है मतलब कितनों का तो घर है ये और इस साइड के अंदर दिमक जब से मैं इसे खोदने लगा हूं तब से यह तीसरी चौथी बार है कि ये कसी निकल रही है ये जो आपको दिख रही है ना ये रानी दीमक होती है ये एक दिन में करीब करीब बीस बीस लाख तक अंडे देती है और ये बीस साल तक जिंदा रह जाती है ये है ना सबसे आलसी होती है ये कुछ काम नहीं करती काम जितना भी होता है ना वो सारी की सारी ओवर होती है वो वो करती है काम हो देखो ओ पाचो कुड़ है देखो खेत माह का चाय बनाओ आप खतरनाक टेक्निक है मतलब सर्वाइवल एक्सपर्ट अगर जे खट फसने को काम पड़ जाए और बटा कुछ नहीं हुआ तो चुल्लो क्या जगा हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ढेक्सी मिल जाती है क्या ढेक्सी नहीं तो कुछ मिल ही मिलो हाँ कुछ भी मिल जाओ बस मिल जाना चाहिए जो चाय बनाने के लिए काम में आ जाएगा हमारे तो ये रही हमारी भाई तो चूल्हा ठीक है ना आपका ही बना है चूल्हा ज़्यादा छोटा नहीं है ठीक है तो मैं देखो चाय बनाता हूँ अभी फटाफट इस दुहे ने मेरी आंखें जला दी पूरी ये चाय है जो बनने का नाम ही नहीं ले रही है अभी भी देखो वैसे कदर तो सही से आ रहा है चाय के अंदर हमारे पास गिलास की जगह ये प्यालियाँ हैं छोटी छोटी इनके अंदर बारी बारी से थोड़ी थोड़ी चाय डालकर फिर पीनी पड़ेगी हमें क्या बात है देख ले और ये रहा हमारा जुगाड़ जुगाड़ो चूल्हा इन काफ़ी खोद लिया ढाई तीन गुट को और अभी ग्राउंड ले कर आया नाश्तो आज बासी डो के डबाई लिए और दलियो और एक मायने बासरे की रोटी खेत में आकर तो ये बाजरे की रोटी और दही भी स्वाद लगने लग जाता है पूरी तरीके से हमारा मिशन कंप्लीट हुआ नहीं हम बीच में ही छोड़कर घर पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा धूप हो गई और थक गए एक बार फिर आना पड़ेगा कल थोड़ा सा काम बच गया क्योंकि जितना सिंपल लग रहा था देखने में उतना सिंपल था नहीं हमने चार फुट का गड्ढा खोद दिया नीचे फिर भी जड़ का आता पता ही नहीं है कि जड़ है कहाँ तक तो वापस आएंगे और इस काम को अंजाम में देंगे फिर लकड़ियों को ट्रैक्टर के अंदर डाल के घर पे लेके जाएंगे और तो घर जाते जाते ट्रेन भी मिली गई हमें ट्रेन में कुछ थोड़ी है तो थो। चलो ट्रेन में चढ़ बैठे उतरते वहाँ पास <laughs> प्लेटफॉर्म पर तो जाना ही पड़ती ना कितना ऊपर प्लेटफॉर्म है पटरिया के बिचाड़ा सो जाओ ट्रेन, <laughs> ट्रेन दरमी को नहीं अति जगह है जगह कैसा हुआ है ट्रेन के नीचे हाँ बस बस छाती कल्टी रखनी पड़े क्योंकि वो जो धड़को बने वो मार हुए